दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक दरिया सूख जाएगा और अपने सोने के खजाने को खोल देगा? सिर्फ चंद साल पहले कोई भी यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन बेशुमार अहदीस और कुरान मजीद में आयत मौजूद है और दुनिया इन्हें इस वक्त सच होते देख सकते हैं। दोस्तों, एक दरिया जो बहुत बड़ा और तवील पानी से भरा हुआ था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने के लिए तैयार था, ये चंद सालों में एक रेगिस्तान में कैसे तब्दील हो सकता है? न सिर्फ ये कि वो सूख गया है, सिर्फ अपने सोने के खजाने को जाहिर करने के लिए। क्या ये असली सोना है? ये कहां से आया है? आइए देखते हैं कि हम कुरान व हदीस से इस हैरत अंगेज पेशन गोई के बारे में क्या जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब दरियाई फुरात सोने के खजाने को जाहिर करेगा, बस जो उस वक्त जिंदा हो उसमें से कुछ ना ले। एक और सही बुखारी हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाई फुरात खुश्क ना हो जाए और सोने के उस पहाड़ का नकाब कसाई की जाए जिसके लिए लोग लड़ेंगे। हर 100 में से 99 मर जाएंगे और उनमें से हर आदमी कहेगा कि शायद मैं ही जिंदा रहूंगा। दोस्तों, अभी हाल ही में खबरें गर्दिश कर रही है कि दरियाई फुरात के आसपास रहने वाले लोगों ने सूखते दरिया से सोने के बड़े पत्थर दरियाफ्त किए हैं। कुछ वीडियोस वायरल हुई जहां लोग दरिया के किनारे से असली सोना उठा रहे हैं। दोस्तों, गो फुरात का जिक्र बाइबल और कुरान पाक में मौजूद है। अक्सर लोग उसे आसमान से आने वाली नदी कहते हैं। जब इस्लाम मिडल ईस्ट में फैला तो ये सिर्फ देव हेकल दरिया फुरात के जरिए था। दोस्तों, बाइबल की बाज़ रिवायत से यह भी मालूम होता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी एक बार इस दरिया को पार किया था। इस्लाम की तारीख में इसकी अहमियत की वजह से हमारे पास अहादीस और कुरान में फुरात के बारे में बहुत सी पेशनगोईयां मौजूद है। दोस्तों, मुकद्दस किताबों और इंकशाफात में चौंका देने वाली पेशनगोईयां खुद को सच साबित करने लगी है। एक वक्त था जब लोग यकीन नहीं करते थे कि असली सोना दरिया से निकलेगा और लोग उसे उठा सकेंगे, और मुझे मालूम नहीं कि उनका मुशाहिदा करने के लिए जिंदा रहना अच्छी चीज़ है या बुरी। अगरचे एक चीज़ के लिए ये हमारे ईमान को बुलंद करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशनगोई का सच्चा होना हमें सिर्फ अपने आमल को देखने की याद दिलाता है।